राम राम भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को दिवाली है, तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी चली जाती है। भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आइए जानते हैं इस वीडियो में सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण शुद्ध रहे, माता लक्ष्मी के पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि यह होना जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में धन दौलत सुख शांति का वास होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए, इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली के समय अगर आप भी जो है साफ सफाई कर रहे हैं तो ऐसे कौन सी चीज को ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, हम इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह को घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर दिवाली से 5 दिन पहले ही जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे पैर के निशाने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी बिल्कुल सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, जिस घर में मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं वहां पर मेरा आगमन होता है। आप जो है चरण पादुका, बहुत से कलर आते हैं उनके बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप जो है बेसन का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या न माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। भक्तों, आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपके घर से वापस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूंगा, आप एक बात का विशेष ध्यान रखना। दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, यह चीज मत रखना। यह तीन चीज जहां पर होती है वहां पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तों कहते हैं कि माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े के बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प इससे अत्यंत प्रिय है, कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दिवाली के दिन किसी भी गरीब व जरूरतमंद अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ लौटने न देना हो सके। माँ लक्ष्मी कोई रूप बनाकर के आपके घर में आ जाए, आपके परीक्षा लेने आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि माता लक्ष्मी सहाय करेंगे। माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि दिवाली के दिन मैं खुद साधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हैं, सभी की गरीबी मिटाओ, निर्धनता मिटाए। आइए भक्तों इस वीडियो जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी हमारे घर का परित्याग कर देती है, क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। बहुत सारे जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियां होती है जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं, इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता है,
कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकते। तो इसलिए इसका जो है हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहे हैं। तो पहला है शंख और कौड़ी। दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए। सारी जानकारी काम आते हैं। इसके बाद आती है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के समय साफ झाड़ू नहीं है जिसमें कंकड़ आ गए हैं, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए झाड़ू को कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन अमावस्या होता है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से दिन बरकत चली जाती है। जो आपके घर में पुराने झाड़ू हैं, इसे छुपाकर रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। उसके बाद है लाल कपड़े। तो देखिए, जिस लाल कपड़े को अपने कहीं पर भी रखा है या अलमारी में रखा है तो उसे मत फेंकना। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कदापि भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं दिवाली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं इसे भी माता का स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं, बहुत सारे जो साइट है वहां पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं, तो जो पुराने सिक्के होते हैं यह भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसे की नोट होती है इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। उसके बाद है मोर पंख। दीपावली की सफाई, अगर मोर पंख मिल जाए तो उसे शुभ माना जाता है। भक्तों, मोर पंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोर पंख को गलती से भी कचरे में ना डालें। कहते हैं कि घर में मोर पंख का मिलना धन लाभ का संकेत देते हैं। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो धन की कोषायक्ष है, जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं, इनके दिशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल ही आप मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना। कोशिश करना मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद के लाना। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखे हैं, जो हमारे प्राचीन किताब उसमें लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली दिन मोर के पंख लाते हैं, इसमें इत्र लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान में रखते हैं तो ऐसे घर धन दौलत से लबालब भर जाते हैं। घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, आगे जरूर शेयर करना। आपके एक छोटे से जानकारी, आप जो इसे शेयर करेंगे तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी न हो तो जो इस सिक्के को फेंक दें, कौड़ी को फेंक दें, शंख को फेंक दें, उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती है। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्गदर्शन करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें,
टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम जीवन रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और हमेशा प्रसन्न रहती है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में नाशपाती को चढ़ाना स्पष्ट रूप से मना किया गया है। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर करना। भक्तों, इस साल दिवाली को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या तिथि 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दिवाली का त्योहार न सिर्फ देश में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। भक्तों, दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। दिवाली पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और दिवाली की तैयारियां काफी दिनों पहले से होने लगती हैं। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, फिर दिवाली के दिन घर को रंगोली, दीपक, फूल मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष सजावटें करते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आती है और जिन घरों में साफ सफाई और सजावटें रहती हैं, वहां पर वास करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन पड़ने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम 5:14 तक रहेगी, बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। इस तरह से 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ होगा। इसीलिए भक्तों, 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से रात लेकर 8:32 तक रहेगा और दिवाली पूजन का निशिता मुहूर्त रात 11:39 से देर रात तक 12:31 तक रहेगा और भक्तों 13-29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को रहे और दिवाली लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर को रहेगा और भक्तों गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को रहेगा और भाई दूज 3 नवंबर को रहेगा। भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।